जातिवाद कहाँ नजर नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है? अभी आप जो व्हाट्सएप चल रहे हैं, जो आपके टीवी चल रहे हैं, उनके ऊपर आप देख लीजिए, खुल करके जातिवाद चल रहा है। यहाँ तक कह दिया कार्यकर्ताओं को, तो आपने खुद ने पढ़ा होगा कि जो अविनाश का विरोध करेगा वो मूत पिएगा और गोबर खाएगा। हाँ, ये हमने भी देखा है। तो देखा नहीं है? अब इससे ज्यादा क्या करोगे? अब क्या हम मूत पी करके गोबर खा करके उनके साथ रहे? ऐसा भाई, जो मेरे ऊपर कुछ समय से जो ये टिकट के दावेदार हैं या उनके समर्थक हैं, इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। एक तो जातिवाद का, मैं थोड़ी सी बात खुलासा कर देता हूं। जैतारण के अंदर 7 मंडल हैं, 7 मंडल में से मेरे माली समाज का एक भी मंडल नहीं, ये सारी दूसरी जातियों के। मेरे यहाँ जैसे एक प्रधान है, 2, एक मेघराम जी भावड़ी समाज से है, एक रायपुर से कमलेश जो राउत समाज से है, एक है उपप्रधान कुमाऊं समाज से, एक उपप्रधान राजपूत समाज से पुष्पति सिंह जी है। जैतारण नगर पालिका के चेयरमैन इतने सालों से आप खुद देखते आए हो, वो हमारे समाज का बनता है क्योंकि 8-8 पार्षद हमारे जीतते हैं। उसके अलावा संगठन में पंचायत समिति में एकमात्र टिकट दिया था वो जीता, चाहे रायपुर में हो चाहे जैतारण के अंदर हो। उसके अलावा हमने कभी जातिवाद नहीं किया। अब चूंकि विरोध करना तो दूसरे काम से नहीं हो सकता, इसलिए एक ही जातिवाद का जहर घोल कर हमारे ऊपर जो लांछन लगाते हैं, ये आप लोगों को देखने का। नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल सबकी निगाहें इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर है, और खास तौर से इस जैतारण विधानसभा की सियासत को लेकर सबकी नजर है। देश प्रदेश से सैकड़ों ऐसे मेरे फॉलोअर्स है जिनके लगातार कॉल आ रहे, लगातार वो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस जैतारण की सियासत में इन दिनों क्या हो रहा है। आगामी दिनों में चुनाव है और इन चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां है जो जैतारण पर इन दिनों परवान पर चढ़ने लगी है। बात भाजपा की हो या कांग्रेस की या आरएलपी की या अन्य किसी निर्दलीय की, तो बहरहाल आज बात हम जैतारण की सियासत की करेंगे। तो उम्मीद करना चाहूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और हो सके तो आप इसे शेयर करें ताकि लोगों को जैतारण की सियासत का जो मौसमी मिजाज है वो पता चल सके। तो बहरहाल बताना चाहूंगा, मैं इस समय जैतारण विधानसभा के दीपावास स्थित लूणी बांध पर मौजूद हूँ। सर्वविदित है कि इन विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जैतारण में भी इस विधानसभा चुनाव की रणबेरी बच चुकी है, अलग अलग योद्धा है जो चुनावी रण को लेकर तैयार है। तो बहरहाल आज कुछ मेरे पास सवाल भी है, कुछ विश्लेषण भी है, वो तमाम तरह की बातें हैं आज इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। बताना चाहूंगा आज सिंपल है, एकदम साधारण, एक बिना सीमित संसाधनों के साथ हम एक स्टोरी तैयार कर रहे हैं। आप इस स्टोरी में बहुत सारे नेताओं के जो वक्तव्य है वो भी सुनेंगे, यानी कि दोनों तरफ की बातें आप इसमें सुनेंगे। जो चर्चा है उन चर्चाओं पर ही मेरा ये वीडियो आधारित है, छोटा मोटा विश्लेषण आधारित है। तो बहरहाल आपने कल देखा होगा और शानदार तरीके से आपने देखा होगा, कल भाजपा की ओर से जो अविनाश गहलोत है उनको टिकट दिए जाने के बाद उपजा राजनीतिक विवाद है जो धीरे धीरे अब उबाल ले रहा है इस जैतारण इलाके में। आपने कल देखा होगा भाजपा का भी पार्ट है, दूसरा पार्ट है, उन्होंने कल योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज को चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में खड़ा कर दिया। आपने वो सभा भी आपने देखी होगी, सभा में जो भाषणबाजी हुई वो भी आपने सुना होगा। तो बहरहाल इन दिनों भाजपा में बहुत राजनीतिक उबाल आया हुआ है, भाजपा 2 भागों में बटी हुई है। आप देखोगे किस तरह से बटी है, बहुत सारे नेता है जो कहेंगे कि भाजपा 2 भागों में नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि जैतारण की भाजपा 2 भागों में बटी हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि श्री अविनाश गहलोत को भाजपा द्वारा पुणे टिकट दिए जाने के कारण नेताओं में आक्रोश है, उन नेताओं में आक्रोश है जो टिकट की मांग कर रहे थे। हालांकि जनता में कितना क्या आक्रोश है वो आने वाला समय भी बताएगा, लेकिन भाजपा के नेताओं में आक्रोश है। और हालांकि आक्रोश की बात करूंगा तो कांग्रेस में भी आक्रोश कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस का आक्रोश है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल कांग्रेस के तमाम जितने भी नेता है वो बीजेपी की खींचतान को देखकर खुश हो रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं कि आगामी दिनों में ये के हालात है, कांग्रेस में भी ऐसे कैसे हालात यही उत्पन्न होने वाले हैं। इन चुनाव को लेकर बहुत से नेता है
जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, काउंटर सवाल किए जा रहे हैं, तो बहरहाल बात करना चाहूंगा मैं पुष्पमंदर सिंह जी कुड़की, ये जिन्होंने कल कहा था कि श्री अविनाश गहलोत है जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो सुनिए उनके वक्तव्य, वो क्या कह रहे हैं। कुड़की साहब क्या कह रहे हैं, क्या नजर आ रहा है जातिवाद का? नजर नहीं आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अभी आप जो व्हाट्सएप चल रहे हैं, जो आपके टीवी चल रहे हैं, उनके ऊपर आप देख लीजिए, खुल करके जातिवाद चल रहा है। यहाँ तक कह दिया कार्यकर्ताओं को, तो आपने खुद ने पढ़ा होगा कि जो अविनाश का विरोध करेगा वो मूत पिएगा और गोबर खाएगा। हाँ, ये हमने भी देखा है। तो देखा नहीं है? अब इससे ज्यादा क्या करोगे? अब क्या हम मूत पी करके और गोबर खा करके उनके साथ रहे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो बहरहाल आपने सुना होगा कुड़की साहब ने क्या कहा, और कुड़की साहब का एक आरोप है, वो आरोप भी आप सुन लीजिए। और वही प्रैक्टिस वापस चली, और उसी प्रैक्टिस के नाते इन्होंने वापस धन का दुरुपयोग किया, और किन्हीं नेताओं से एडजस्ट करके उसी धन के आधार के ऊपर ही अपना वापस टिकट लेकर आए। लेकिन जैतारण की जनता अब जान चुकी है कि धन बल के आधार के ऊपर जन बल का समर्थन नहीं लिया जा सकता, वो तो जनता की दिल को जीत करके ही जनता से समर्थन लिया जा सकता है। कुड़की साहब का आरोप था कि वो धनबल के सारे अविनाश गहलोत ने टिकट लेकर आया, और इसके उलट श्री अविनाश गहलोत ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए, वो भी आपके पास है, उनका भी जवाब इस वीडियो में सुनने। कई समीकरण होते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला वो ये कहते हैं कि धनबल के आधार पर टिकट लेके आ गए और जाति के समीकरण आधार लेके आ गए। लेकिन मैं कहता हूं कि धनबल नहीं होता काम, या जनबल के आधार पर हम लोग टिकट लेके आए, और ये जो सामने जनता बैठी है इनके आशीर्वाद से टिकट मिला है, टिकट सब मांगते हैं। लेकिन चूंकि जब डिक्लेरेशन हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, अगर कमल के फूल में विश्वास रखते हो, मोदी जी में विश्वास रखते हो, तो किसी व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करें। और तो अविनाश गहलोत ने भी इनका जवाब दिया। कुड़की साहब से मैंने एक सवाल किया था, सवाल क्या किया था वो भी आप सुन लीजिए। चलते चलते अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे नेता उनसे भी हम बात करेंगे, क्या आपकी रणनीति ये तो नहीं है कि योगी जी चुनाव जीते नहीं जीते लेकिन अविनाश हारना चाहिए, ये रणनीति नहीं, 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 नहीं हम नहीं। जो चुनाव रणनीति करेंगे इसमें योगी जी को जिताएंगे, ये आप मेरे से मत पूछो, जनता से पूछो। तो कुड़की साहब ने यह जवाब दिया, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि योगी लक्ष्मणनाथ जी को है, जो भाजपा के कुछ नेता है जो चुनाव लड़वा रहे हैं। स्थिति यह है कि लोग कह रहे हैं कि योगी महाराज को इन्होंने तैयार किया है, बहुत सारी इस बात की चर्चा है कि योगी महाराज जीते या नहीं जीते लेकिन अविनाश गहलोत हारना चाहिए, ये चर्चा भी दबी जबान की जा रही है। तो बहरहाल यह है, और इधर इस चुनावी महासमर में योगी जी को लेकर एक सवाल भी है इस इलाके में, वो सवाल है श्री रमेश भाटी को लेकर है। मैंने कल उनसे एक सवाल किया था कि पर्दे के पीछे रहकर यह पूरा जो खाका तैयार किया जा रहा है वो श्री रमेश भाटी द्वारा किया जा रहा है। भाजपा के नेता और इस पूरे परिदृश्य के पीछे, पर्दे के पीछे जो कहानी लिखे कि लिखने वाले, पटकथा लिखने वाले, हालांकि मैं खुले आम कहूंगा, हो सकता है देखो अलग अलग है, मेरी सोच है, ये मेरे मत है। रमेश जी भाटी आपका स्वागत है, खान क्या कहना चाहोगे? खान साहब, सबसे पहले परम सदैव भगवान ध्वज को मैं परम पूज्य मानते हुए नरेंद्र मोदी जी के हम सभी नेतृत्व और उनका सम्मान करते हैं, और हमारे नेता वही रहेंगे विश्व के पटल पर। हमारे नेता योगी मुख्यमंत्री के यूपी वाले योगी जी रहेंगे। अब उसके बाद आपने जो अभी कुड़की ठाकुर साहब को कहा कि ऐसा तो कहीं किसी का मत नहीं है कि हम किसी को हराने के लिए लक्ष्मण नाथ जी को खड़े किए, तो मैं आप इस जनता के माध्यम से जो पंडाल भरा हुआ देखिए, आप इनके माध्यम से, पत्रकारों के आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारा कतई लक्ष्य नहीं है कोई व्यक्ति हारे, हमारा एक ही लक्ष्य है कि बाबा लक्ष्मण नाथ जी जीते। तो आपने सुना होगा रमेश भाटी ने क्या कहा, बहरहाल बहुत सारी ऐसी चर्चा, रमेश भाटी के नाम की भी चर्चा है कि योगी महाराज को खड़े करने में या समर्थन देने में पर्दे के पीछे की कहानी के मुख्य सूत्रधार है जो रमेश भाटी। हालांकि रमेश जी भाटी ने इस बात से इनकार भी किया कि सब जितने भी 17 जो भाजपा के दावेदार थे उन्होंने योगी महाराज को
खड़ा किया, उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्टी की रीति नीति से हटके हम काम नहीं करेंगे, हम वही काम करेंगे जिससे भाजपा मजबूत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि योगी महाराज मैदान में रहे तो भाजपा तो कमजोर होगी, ये सही बात है। तो बहरहाल एक इस सियासत में कल श्री रमेश जी भाटी ने मेरे एक सवाल के एक जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे भाई को चेयरमैन बनाने के लिए लगभग 2 करोड़ का खर्च हुआ, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। 10 सालों बाद बीजेपी का जो वोट बना, 10 सालों बाद जो बीजेपी का वोट बना, उसमें रमेश भाटी ने 2 करोड़ रुपए खर्च करके वोट बनाया है, और जनता जानती है। तो आपने सुना होगा श्री रमेश भाटी जी ने सार्वजनिक रूप से क्या कहा, ये वीडियो भी इसे सोशल मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ है, ट्रोल हो रहे लगातार सुर्खियों में, तो बहुत सी ऐसी बातें। तो बात अब श्री अविनाश जी गहलोत की करना चाहूंगा, उनके नाम घोषित होने के बाद इस सियासत में उनके बारे में क्या क्या नहीं किया जा रहा, उन बातों को लेकर श्री अविनाश गहलोत भी लगातार जवाब दे रहे, अपने तल्खी के साथ जवाब दे रहे, अपने जो भी जवाब है जो चर्चा है उन पर विराम लगाने का श्री अविनाश गहलोत पूरा प्रयास भी कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अविनाश गहलोत ने कुछ नहीं किया, बहरहाल अविनाश गहलोत ने क्या क्या उनकी जबानी आप सुन लीजिए। इसलिए छोटी मोटी बातों को भूलकर अब ये समय नहीं रहा कि उस काम में काम हुआ कि नहीं हुआ। ये जो बुकलेट मैंने आपको दी है 5 वर्षों किया, ये मेरे 5 साल का हिसाब किताब आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। 2018 में पहले दिन जब 11 दिसंबर को चुनाव की गिनती हुई और उसके बाद में जब मैंने शपथ ली, उस दिन से लेकर अभी 1 महीने पहले तक ये प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक विभाग के कामों का रिपोर्ट कार्ड इस जनता के सामने पेश कर रहा हूं। तो आपने अविनाश गहलोत के 5 साल के कार्यकाल की कहानी भी आपने सुनी होगी, और इसके उलट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति है जो योगी महाराज ही जिंदा रख सकते हैं, तो इसे उलट अविनाश गहलोत भी इस बात का दावे कर रहे हैं, वो दावे क्या करे तो वो भी आप सुन लीजिए। ये बंधुओं, आप और हम सब मिलकर इस जैतान की सनातन संस्कृति को काम रखने का, जिंदा रखने का काम करें, उस करुणाम जी साकला की उस यादों को ताजा करने का काम करें, और उस मगरे के अंदर हीरा सिंह चौहान को आपका तो अगर शांति देनी हो, आइए मिलकर कमल खिलाने का प्रयास आप और हम सब मिलकर करें। तो बहरहाल आपने अविनाश गहलोत को सुना होगा, एक उनके बारे में एक आरोप है, जैसा कि मैंने श्री कुर्की साहब से भी ये सवाल किया कि विधायक अविनाश गहलोत पर जातिवाद का आरोप क्यों है, कैसे क्या है, तो आप पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की को भी सुन लीजिए, और इसके जवाब में श्री अविनाश जी गहलोत को भी सुन लीजिए, क्या तर्क है क्या वितर्क है, आप आराम से सुन सकते हैं, तसल्ली से सुन सकते हैं। एक सवाल ये भी है, मैंने उनसे कुर्की साहब से सवाल किया था कि लगातार वो आरोप लगा रहे हैं श्री अविनाश गहलोत है जो धनबल के सारे इस चुनाव में टिकट लेकर आए, धनबल के सारे वो टिकट लेकर आए कि नहीं आए, वो भी आप दोनों के तर्क वितर आप दोनों से सुन सकते हो। बहरहाल और वही प्रैक्टिस वापस चली, और उसी प्रैक्टिस के नाते इन्होंने वापस धन का दुरुपयोग किया, और किन्हीं नेताओं से एडजस्ट करके उसी धन के आधार के ऊपर ही अपना वापस टिकट लेकर आए। लेकिन जैतान की जनता अब जान चुकी है कि धनबल के आधार के ऊपर जनबल का समर्थन नहीं लिया जा सकता, वो तो जनता की दिल को जीत करके ही जनता से समर्थन लिया जा सकता है। कई समीकरण होते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला वो ये कहते हैं कि धनबल के आधार पर टिकट लेके आ गए, और जाति के समीकरण आधार लेके आ गए। लेकिन मैं कहता हूं कि धनबल नहीं होता काम, या जनबल के आधार पर हम लोग टिकट लेके आए, और ये जो सामने जनता बैठी है इनके आशीर्वाद से टिकट मिला है, टिकट सब मांगते हैं। लेकिन चूंकि जब डिक्लेरेशन हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, अगर कमल के फूल में विश्वास रखते हो, मोदी जी में विश्वास रखते हो, तो किसी व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करें। और ऐसे तमाम ऐसे किस्से हैं जो जैतान की सियासत में इन दिनों तैर है। अब बात करना चाहूंगा मैं कांग्रेस की, कांग्रेस में भी इन दिनों घमासान है, अंदरी अंदरी खाने में घमासान है। ये अलग बात है कि कांग्रेस का घमासान है वो फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं देने के पीछे एक कारण यह भी है, अभी तक किसी नाम का टिकट फाइनल नहीं हुआ। जब भी किसी नाम की मोहर लगेगा उस समय आप देखना कि जो स्थिति बीजेपी की बनी हुई कमावेश वो के वो स्थिति कांग्रेस में भी होगी, ऐसा सुना जा रहा है कि लगभग श्री सुरेंद्र गोयल है जिनके नाम की मोहर लग सकती है। जी हाँ, सही कह रहा हूं, लोग बता रहे हैं, ऐसी चर्चा है श्री सुरेंद्र गोयल के नाम कांग्रेस का टिकट हो सकता, टिकट की
दावेदारों की सूची में श्री दिलीप चौधरी जी का भी नाम है, किशोर चौधरी जी का भी नाम, यह सर्वविदित है। लेकिन पिछले दो चार दिनों से श्री गोयल का नाम ज्यादा कांग्रेस में सुर्खियों में, शायद यही कारण है कि गोयल के अधिकतर समर्थक है जिन्होंने फटाके भी खरीद लिए है, मालाएं भी खरीद लिए, पूरा खाका उन्होंने तैयार कर लिया है कि यदि गोयल साहब के नाम टिकट का ऐलान हो तो हम खुशियां मनाएंगे। तो बहरहाल यही तैयारी इन दिनों दिलीप जी चौधरी के यहाँ पर भी चल रही है। हालांकि अधिकतर लोगों का मत है कि श्री दिलीप चौधरी यदि उनको टिकट नहीं मिलता तो वो निर्दलीय के रूप में ताल ठोकेंगे, ये भी बात सही है, हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन अभी तक श्री दिलीप चौधरी द्वारा ये सार्वजनिक रूप से नहीं कहा गया है कि मैं निर्दलीय ताल ठोकूंगा, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा, इन चर्चाओं को हम नकार नहीं सकते कि चौधरी निर्दलीय खड़े होंगे या नहीं। एक बात और कहना चाहूंगा चौधरी के बारे में, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि चौधरी को यदि टिकट नहीं मिलता तो चौधरी आरएलपी में जाएंगे, ये कतई बात सही नहीं है। मेरा मानना है कि चौधरी ऐसा नहीं करेंगे, चौधरी निर्दलीय के रूप में मैदान में आ सकते हैं लेकिन आरएलपी में वो कतई नहीं जा सकते। इसके पीछे बहुत बड़े कारण है, बहुत बड़े कारण यह है कि यदि चौधरी आरएलपी में जाते हैं तो उनके नाम का वो थप्पा लगेगा, और यदि निर्दलीय रहते तो बहुत सारे लोग हैं उनके चाहने वाले, वो साथ रहेंगे। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी चर्चा है चौधरी एवं गोयल साहब के बारे में। तो फिलहाल है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के जो नेता है, जो भाजपा की जो बगौत का देख कर जो खुश हो रहे ना, आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा संकट है, जो बीजेपी में जो संकट चल रहा ना वो संकट इस जैतन की सियासत में कांग्रेस के नाम पर भी आने वाला टिकट की घोषणा होने के बाद आप देखना कि इस जैतन की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति में किस तरह से उबाल आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज है वो चुनावी मैदान में होंगे। हाँ, एक और स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि श्री सुरेंद्र गोयल को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है तो वो घर पर बैठ जाएंगे, लेकिन निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, ये बात मैं श्योर कह रहा हूँ। दिलीप चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन सुरेंद्र गोयल कभी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी चर्चा है। तो बहरहाल इस जैतन विधानसभा इलाके में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां है वह परवान पर है, हर गली मोहल्ले, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे एक ही चर्चा है, और खास तौर से चर्चा योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज की चर्चा है, अविनाश गहलोत के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी सभाएं हैं जो चुनाव में होती रहती है, कल इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज के समर्थन में अफार भीड़ एकत्रित हुई, लेकिन देखने वाली बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि भीड़ है जो वोटों के रूप में किस रूप में तब्दील हो, यह महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी भीड़ है जो हमने देखी है पिछले 25 साल से, हम ऐसे ऐसे आयोजन देख रहे हैं, बड़ी बड़ी चुनावी सभा देख रहे, लेकिन चुनाव परिणाम क्या आता इसको सबका इंतजार रहता। तो कहीं ना कहीं यदि योगी महाराज, लक्ष्मणनाथ जी महाराज चुनावी मैदान में यदि खड़े रहते हैं, तो हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ये किसी की ताकत नहीं है कि योगी लक्ष्मणनाथ को चुनाव मैदान से हटा सके, ये साफ हो गया कि योगी महाराज है जो चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे। तो बहरहाल योगी महाराज के चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा की स्थिति फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। भाजपा के जितने भी नेता है, जो बड़े बड़े नेता है और बहुत सारे संगठन है, वो संगठन फिलहाल जहां तक मैंने कल इस आयोजन में देखा वो लक्ष्मणनाथ जी महाराज के साथ थे, अविनाश गहलोत के साथ फिलहाल मुझे वो बड़े चेहरे नजर नहीं है जो हर चुनाव में भाजपा के साथ हुआ करते थे। और दूसरी बात, एक बात और है इस जैतन विधानसभा में, इस बात को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि गत चुनाव है जो श्री सुरेंद्र जी गोयल ने भाजपा के खिलाफ भी ऐसा ऐसा बड़ा आयोजन किया था, उसका परिणाम क्या हुआ वो परिणाम भी सब जानते हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ उलट है, चूंकि भाजपा का एक बड़ा धड़ा है, बड़ा बड़े चेहरे है वो योगी महाराज के साथ है। यदि इनका साथ, जैसा कि वो बता रहे हैं कि 17 जो प्रत्याशी थे भाजपा के, जो उम्मीदवार थे, जो टिकट की मांग कर रहे थे, वो योगी महाराज के साथ, हालांकि कल गिने चिने चेहरे ही मुझे उस सभा में साथ दे, हो सकता है कि कुछ कांग्रेस की टिकट की प्रतीक्षा भी करे, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल है वो 17 चेहरा है वो अभी तक योगी महाराज के साथ, मैंने 17 को एक साथ
नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी मान मनवार भी इन दिनों अविनाश गहलोत द्वारा की जा रही है। गहलोत द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में स्थिति सब ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि स्थिति ठीक हो रही है। हर रोज नए नए कुछ न कुछ चर्चाएं सामने आती है। तो बहरहाल अभी तक ये नहीं कह सकते कि किसकी स्थिति मजबूत है, किसकी कमजोर है, और लेकिन ये जरूर कहना कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जो स्थिति भाजपा की इन दिनों बनी हुई है ना, वो क्या वो स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। यदि गोयल साहब को टिकट मिलता है तो ये कि ये स्थिति कांग्रेस में भी होगी। हालांकि कांग्रेस आला कमान द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी जो प्रत्याशी थे, श्री दिलीप चौधरी है, श्री किशोर चौधरी है, श्री सुरेंद्र गोयल है या गोपाल सिंह जी ईडवा, इन तमाम चेहरों को एक साथ बैठाने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग बात है। हालांकि कल चौधरी के समर्थकों से मेरी बात हुई थी, उनका भी जवाब था कि चौधरी 5 साल तक इस इलाके में सक्रिय रहे, 5 साल तक उन्होंने लाखों रुपये खर्च किए, वो खर्च जनता के लिए किए। तो बहरहाल इशारे भी हम ये समझ सकते हैं कि चौधरी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मैं कह रहा हूं कि श्री दिलीप चौधरी द्वारा अभी तक सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा गया है कि मैं निर्दलीय ताल ठोकूंगा, लेकिन राजनीति के जानकार कह रहे हैं, जो प्रवेशक है, जो जानकार, वो कह रहे हैं कि चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में और चुनावी ऐसी ऐसी बातें वो होती रहेगी। पॉलिटिकल किस्से है, जो राजनीति के जो किस्से, वो किस्से हम आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो बहरहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहे, ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे जो फेसबुक पेज है, इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, जो यूट्यूब है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम रील भी आप उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे आग्रह है आ रहे हैं मेरे पास, हम प्रयास करेंगे कि हम जैतान विधानसभा के इतर और भी विधानसभा, उन विधानसभाओं में भी हम जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लब्बो लुबान कहानी है कि स्थिति जैतान की यह है कि जैतान छोड़ने का मन नहीं हो रहा। आगामी दिनों में नामांकन भी दाखिल होंगे और चुनावी भी सभा होगी, उन चुनावी सभाओं का हम लाइव कवरेज भी हम दे रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी हो रही कि कल योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज की जो धर्मसभा थी, उस धर्मसभा को लाइव देखने के लिए लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने वो लाइव देखा। यह सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, आप लोग हमें देखते हैं। तो उम्मीद करना चाहूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दीजिए मुझे पवन भाटी के साथ इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।